सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक होंगे अपने घर पे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है। वी आर इन हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस। 1.2 लीटर पेट्रोल है, सबसे ज़्यादा आउट सेलिंग इंजन है एंड यहाँ पे AMT ट्रांसमिशन है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है। ड्राइव मोड पे मैंने डाल दी है। यहाँ पे आपको सिंपल तीन मोड मिलते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। एंड अगर आप राइट को करते हैं तो मैनुअल हो गया ये, कि खुद आप गियर को चेंज करेंगे। एंड अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आपको 1 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो डैट मीन्स ये फर्स्ट गियर पे है। एंड अभी मैं इसे ड्राइव मोड पे ही कर रहा हूँ एंड देखते हैं कि कार ऑटोमेटिकली कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो आइए चलते हैं। जैसे मैंने ब्रेक को छोड़ा, आपकी कार ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गई है यहाँ पे। आज प्रॉपर मैं इसका ड्राइव रिव्यू दूंगा आपको एंड 0 से 100 भी करेंगे हम इस गाड़ी का। कमाल की यहाँ पे AMT ट्रांसमिशन है, मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि यार, क्योंकि मैंने हुंडई सेंट्रो भी चलाई है AMT वाली एंड वो इतनी ज़्यादा लैगी है ना कि यू कांट इमेजिन कि वो इतना लैग है उसमें एंड यहाँ पे बिल्कुल लैग ही नहीं है। काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा एंड पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। एंड आप देख रहे हैं कि प्रॉपर वहाँ पे गियर कौन से गियर पे चल रही है कार, जैसे थर्ड गियर पे चल रही है, जैसे मैंने स्पीड दबाई है सेकंड गियर पे आ गई कार ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे अच्छी सी लगी कि कार को पता है कि कब मुझे पिकअप चाहिए, तो अपने आप डाउन शिफ्ट भी कर रही है गियर को। तो बाकी हम हाईवे पे जाके देखते हैं कि कार कैसा परफॉर्म करती है एंड आपको पूरा आइडिया वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो गाइस, हेयर इज दी हाईवे इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल खाली रोड है, काफ़ी अच्छा थ्री लेन हाईवे है एंड यहाँ पे ग्रैंड आइटन न्यूज। अब वी विल गो 0 to 100। प्रॉपर ड्राइव रिव्यू होगा इस गाड़ी का। स्पोर्ट्स मॉडल है, AMT ट्रांसमिशन है, 1.2 लीटर पेट्रोल है। एंड अगर मैं आपको इसका इंजन भी ओपन करके दिखाऊं, तो ये कप्पा इंजन, 1.2 लीटर कप्पा इंजन, 83 PS की पावर एंड 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो काफ़ी अच्छा इंजन है यार, पूरी इंसुलेशन कंपनी ने प्रोवाइड करी है इस इंजन पे। सो गाइस, सीट बेल्ट हमने लगा ली है एंड यहाँ पे गाड़ी को मैंने डाल दिया ड्राइव मोड पे। मैं प्रॉपर ड्राइव मोड पे करने वाला हूँ ये टेस्ट पूरा का पूरा। एंड स्पीड आपको क्लियर विजिबल होती रहेगी यहाँ पे, वहाँ पे लिखा आएगा D1, D2, D3, D4, D5, 5 स्पीड की ट्रांसमिशन है AMT वाली। AC मैं कार का ऑफ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो प्रॉपर ऑफ कर दिया सब कुछ, तो AC बिल्कुल ऑफ है कार का। सो हेयर वी गो। जैसा कि आपने देखा कि कार लगभग 155 से भी ऊपर गई थी, बाकी वीडियो में आपको दिख ही जाएगा कि 0 से 100 कितने टाइम में हुआ। एंड आज तक जिन लोगों की थिंकिंग थी कि यार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में वो जान नहीं है, तो
तो यहाँ पे आपके सामने था ये AMT गियरबॉक्स था, 160 तक कार गई विदाउट एनी लैग। यहाँ पे मैं बेट करता हूँ कि अगर आपको इस कार में लैग मिला, आपको लगा कि नहीं यार DCT CVT या और कोई कंपनी का कोई भी ट्रांसमिशन इस गाड़ी से मच मोर बेटर है, इसके प्राइस को देखते हुए किसी और गाड़ी को अगर आप देखते हैं तो ये बेस्ट इन क्लास है। एंड ये था मेरा इसका 0 से 100 एंड टॉप स्पीड का टेस्ट। आई थिंक ये फर्स्ट इन इंडिया, भी किसी ने भी ये नहीं डाला यूट्यूब के ऊपर। एंड वहीं पे अगर मैं थोड़े से ड्राइव की बात करूँ इस कार के, अभी आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड गियर पे है कार। जैसे मैं हल्की सी स्पीड दूंगा एंड प्यास से पिकअप कर रहा हूँ ना, प्यास से पिकअप कर रहा हूँ, तो ये थर्ड गियर पे अभी आ गई है कार हमारी, फोर्थ गियर हो गया, 53 की स्पीड है, 54, 55, अभी ये फिफ्थ गियर है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फुल स्पीड को दबाने वाला हूँ, देन आप देखिए क्या होगा। ये मैंने दबा दी, सो देखा गाइस, जैसे मैंने स्पीड दबाई पूरी की पूरी कार ने फिफ्थ से सेकंड गियर पे आ गई। कैन यू इमेजिन गाइस, जो डेफिनेशन आपने नेट पे पढ़ी होगी किसके बारे में, DCT कि DCT ट्रांसमिशन एक बार में 2 गियर स्किप कर सकता है या 3 गियर स्किप कर सकता है, एंड मतलब डाउनशिफ्ट यार एक बार में 2 शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे ये 3 गियर स्किप कर लिए इसने, फिफ्थ गियर से सीधा सेकंड गियर पे आ गई कार मेरे पिकअप देते ही। तो ये इस AMT ट्रांसमिशन की खासियत है। आज तक मैंने अगर कोई बेस्ट AMT चलाया है तो वो ऑल्टो K10 का मारुति की तरफ से, एंड अब मैं कह सकता हूँ कि मारुति वाली ऑल्टो K10 से भी बेटर AMT हमें ग्रैंड एटन नियोस में हुंडई प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे थम्स अप हुंडई को। एंड वहीं पे जिन लोगों का सवाल था कि माइलेज कैसी है गाड़ी की, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि कार की जो माइलेज है दैट इज अराउंड 20 km/h जो कंपनी क्लेम करती है। बट यहाँ पे आई कैन बेट कि अगर आप हाईवे पे इस कार को प्यास से चला रहे हैं, जैसे अभी मेरी कार चल रही है 1500 या 1800 के RPM के ऊपर, तो इस RPM के ऊपर आपकी कार आराम से 25-26 km/h की माइलेज दे सकती है। जैसे अभी फिफ्थ गियर पे मेरी कार आ गई है एंड 1500 का RPM है, आराम से कार मुझे देगी 30 km/h की माइलेज। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी कार मुझे 29 km/h 30.4 km/h की माइलेज दे रही है, एज यू कैन सी कि कितनी प्यारी माइलेज, 36-32 km/h, मतलब यार 41 km/h। कैन यू इमेजिन कि मतलब ये भी पॉसिबल है क्या यार, 41 km/h, तो मतलब कार की माइलेज काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्यासे से हाईवे पे चलाएंगे, जैसे मैंने अपनी रेनो क्विड का ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, एवरेज का माइलेज का टेस्ट आपको दिखेगा, तो अगर मैं इसका वैसा वाला माइलेज टेस्ट हाईवे पे करूँ ना, तो मैं आराम से इसके 30 km/h या 32 km/h की माइलेज मैं निकाल सकता हूँ आराम से 60-70 की स्पीड के ऊपर। एंड यहाँ पे थम्स अप है यार माइलेज को लेके। वहीं पे जिन लोगों का है कि सिटी में कैसी माइलेज है, तो सिटी में यार एक पेट्रोल गाड़ी 16-18 का ही माइलेज देती है। ओवरऑल आपको 20 km/h तो एक कार हमेशा देगी अगर आपकी सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग एक जैसी है। तो वहीं पे अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन कार की थोड़ी स्टिफ है, पर मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे किया सोनेट से मच मोर बेटर लगी हाई स्पीड के ऊपर। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, ब्रेक का जो बाइट है वो काफ़ी अच्छा, लाइक जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ एकदम से कार रुकती है, बट यहाँ पे मुझे लगा कि हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कार की उतनी नहीं थी। जैसे हल्की सी ब्रेक दबाओ तो कार एकदम से लगा कि नहीं यार कॉन्फिडेंस लो हो रहा है गाड़ी का, तो इतनी तेज आपको नहीं चलानी है यार गाड़ी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों को ये कार बाय करनी है, लगता है कि इंजन कहीं अंडर पावर तो नहीं है। 1.2 लीटर कापा इंजन, मैं यहाँ पे बता दूँ इस इंजन की अपनी ही एक लेगेसी है हुंडई के अंदर, एंड काफ़ी पावरफुल काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन है ये। एंड कार के वेट को देखते हुए ये इंजन मुझे तो बहुत पावरफुल लगा, एंड सच में दिस इज़ वेरी नाइस। सो यही था मेरा आज का ड्राइव रिव्यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।